आप चिकन मटन खाते हो या फिर हरी हरी सब्जियां, आप शाकाहारी हो या फिर मांसाहारी, आप धीरे धीरे बीमार बनते जा रहे हैं। आप सिर्फ चिकन मटन मछली या सब्जियां नहीं खा रहे, बल्कि उसके साथ मिल रहे एंटीबायोटिक एलिमेंट भी पेट में ले रहे हैं, जो आपको बीमार ही नहीं बहुत ज्यादा बीमार बना रहा है। हम आपको डरा नहीं रहे, बल्कि सच से सामना करा रहे हैं। हकीकत जानकर आप भी घबरा जाएंगे, लेकिन सच जानना आपके लिए जरूरी है। पोल्ट्री फॉर्म में मुर्गों को जल्द बड़ा और वजनदार बनाने के लिए इन्हें एंटीबायोटिक का भी डोज दिया जाता है। बकरों को वजनदार बनाने के लिए भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि फल सब्जियों को भी ज्यादा वक्त तक हरा और ताजा रखने के लिए एंटीबायोटिक का छिड़काव किया जाता है। एंटीबायोटिक वाले इन मुर्गे बकरों का मीट और सब्जियां जब थाली में भोजन के तौर पर पहुंचता है, तो एंटीबायोटिक के तत्व खाने वाले के पेट में जाकर जमा हो जाती हैं। जो फूड है, जो खाना है, वो एनिमल ओरिजिन हो या वेजिटेबल ओरिजिन हो, हर एक में आजकल हर तरह, मतलब उस जैसे जानवर को बचाने के लिए या अपनी फसल को बचाने के लिए हर तरह की एंटीबायोटिक का छिड़काव किया जाता है और बहुत एक्सेस में किया जाता है। मीट कारोबार से जुड़े लोग ये मानते हैं कि मुर्गों को समय से पहले विकसित करने और वजनदार बनाने के लिए कई तरह के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन इस बात से वो इनकार करते हैं कि किसी तरह का एंटीबायोटिक इन्हें दिया जाता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना एंटीबायोटिक ना ऐसी कोई हार्मफुल चीज़ें दी थी। अब उसके अंदर इतने फैट कंटेंट होते हैं, यानी उसको जल्दी ग्रो करने के लिए, उसको वेट गेन करने के हिसाब से, तो यानी ऐसी सब चीज़ एकदम अच्छी चीज़ें खिलाते हैं, जैसे सोयाबीन है, फिश मील है, ऑयल केक्स आते हैं उसके अंदर, और मेज़ है, यानी ये सब चीज़ हाई प्रोटीन, हाई यानी हाई फैट जो बनने वाली चीज़ें, जिससे जल्दी डेवलप होती है। कारोबारी भले ही धंधे के फायदे के लिए इस बात से इनकार करें, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स की माने तो एंटीबायोटिक का धड़ल्ले से इस्तेमाल पोल्ट्री के व्यवसाय में हो रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भोजन के तौर पर जाने अनजाने तरीके से पेट में जाने वाले एंटीबायोटिक के ये डोज धीरे धीरे इस कदर जमा हो जाता है कि शरीर की बैक्टीरिया रोधी क्षमता घटती चली जाती है, और एक वक्त ऐसा भी आता है कि बीमार पड़ने पर एंटीबायोटिक दवा लेना भी असरदार साबित नहीं होता। खान पान से शरीर में आने वाले एंटीबायोटिक कई तरह की बीमारियों को न्योता भी देते हैं, जो जान पर भारी पड़ सकता है। प्रोसेस्ड और फ्रोजन चिकन मटन में जिन केमिकल का इस्तेमाल होता है, वो भी शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक माने जाते हैं। जैसे चिकन है, मटन है, फिश है या वेजिटेबल है, तरह तरह के उनके ऊपर डालने से सबसे पहले क्या है कि आदमी के शरीर में, आप ये कह सकते हो कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो खाया जाता है, वो उसकी लाइनिंग, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, उसके ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि आदमी को वॉमिशन आना, डायरिया होना, बुखार हो जाना, कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि हार्ट के ऊपर इफेक्ट कर देती है, या प्रेग्नेंट वूमेन है उसके अंदर एबॉर्शन तक हो सकते हैं। जिस तरह से बगैर एंटीबायोटिक दवा लिए भोजन के जरिए शरीर में एंटीबायोटिक की अत्यधिक मात्रा पहुंचती जा रही है, उसे लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने चेतावनी भी जारी की है। WHO के मुताबिक अत्यधिक एंटीबायोटिक के सेवन से 2030 तक दुनिया भर में 24 करोड़ लोग प्रभावित हो सकते हैं। WHO का आकलन है कि साल 2050 तक एंटीबायोटिक के ज्यादा सेवन से सालाना 1 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है। जिस तरह से साग सब्जी, फल से लेकर चिकन मटन में एंटीबायोटिक का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है, उस पर रोक लगाना जरूरी है। इसके लिए सरकार और सिस्टम को कड़े कदम उठाने होंगे, साथ ही उपभोक्ताओं को भी खबरदार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।